आइए सुनते हैं देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित एक रचना जन्मभूमि, कथा श्रुति की आवाज में। गाड़ी हरबंसपुरा के स्टेशन पर खड़ी थी। इसे यहाँ रुके 50 घंटे से ऊपर हो चुके थे। पानी का भाव 5 रुपए गिलास से एकदम 50 रुपए गिलास तक चढ़ गया और 50 रुपए हिसाब से पानी खरीदते समय लोगों को बड़ी नरमी से बात करनी पड़ती थी। वे डरते थे कि पानी का भाव और न चढ़ जाए। कुछ लोग अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे कि जो इधर हिंदुओं पर बीत रही है वही उधर मुसलमानों पर भी बीत रही होगी। उन्हें पानी इससे सस्ते भाव पर नहीं मिल रहा होगा, उन्हें भी नानी याद आ रही होगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े मिलिट्री वाले भी तंग आ चुके थे। ये लोग सवारियों को हिफाजत से नए देश में ले जाने के लिए जिम्मेवार थे, पर उनके लिए पानी कहाँ से लाते? उनका अपना राशन भी कम था। फिर भी बचे खुचे बिस्कुट और मूंगफली के दाने डिब्बों में बांटकर उन्हें हमदर्दी जताने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। इस पर सवारियों में छीना झपटी देखकर उन्हें आश्चर्य होता और वे बिना कुछ कहे सुने परे घूम जाते, जैसे सवारियों के मन में यमदूतों की कल्पना उभर रही हो और जन्म जन्म के पाप उनकी आंखों के सामने नाच रहे हों, जैसे जन्मभूमि से प्रेम करना ही उनका सबसे बड़ा दोष हो। इसीलिए तो वे जन्मभूमि को छोड़कर भाग निकले थे। कह कहे और हंसी ठिठोले जन्मभूमि ने अपने पास रख लिए थे। गोरी स्त्रियों के चेहरों पर जैसे किसी ने काले नीले धब्बे डाल दिए हों, अभी तक उन्हें अपने सिरों पर चमकती हुई झुर्रियाँ लटकती महसूस होती थीं। युवतियों के कानों में गोलियों की सनसनाहट गूंज उठती और वे कांप कांप जाती। उनकी कल्पना में विवाह के गीत, बलवाइयों के नारों और मारधाड़ के शोर में हमेशा के लिए दब गए थे। पायल की झंकार घायल हो गई थी, उनके गालों की लालिमा मटमैली होती चली गई। जीवन का संगीत मृत्यु की खाइयों में भटक कर रह गया। कह कहे शोक में डूब गए और हंसी ठठोलों पर मानो शमशान की राख उड़ने लगी। 5 दिन की यात्रा में सभी के चेहरों की रौनक खत्म हो गई थी। यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर विचार करने की किसे फुर्सत थी? यह सब कैसे हुआ कि लोग अपनी ही जन्मभूमि में बेगाने हो गए? हर चेहरे पर खौफ था, त्रास था। बहुतों को इतना इत्मीनान ज़रूर था कि जान पर आ बनने के बाद वे भाग निकलने में सफल हो गए। एक ही धरती का अन्न खाने वाले लोग कैसे एक दूसरे के खून से हाथ रंगने लगे? यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? नए देश की कल्पना उन्हें इस गाड़ी में ले आई थी। अब यह गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ती? सुनने में तो यहाँ तक आया था कि स्टेशन पर बलवाइयों ने गाड़ी की पूरी सवारियों के खून से हाथ रंग लिए थे, पर अब हालात काबू में थे। यद्यपि कुछ लोग 50 रुपए गिलास के हिसाब से पानी बेचने वालों को बदमाश बलवाइयों के शरीफ भाई मानने के लिए तैयार न थे। नए देश में ये सब मुसीबतें तो ना होंगी, वहाँ सब एक दूसरे पर भरोसा कर सकेंगे। पर जब प्यास के मारे होंठ सूखने लगते और गले में प्यास के मारे सांस अटकने लगती तो वे तड़प कर रह जाते। इनमें ऐसे लोग भी थे जिनके घर जला दिए गए थे। वे बिल्कुल खामोश थे, जैसे उनके दिल बुझ गए हों, दिमाग बुझ गए हों। कुछ ऐसे भी थे जिनकी हालत पर झट यह कहा जा सकता था कि ना आषाढ़ में हरे ना सावन में सूखे, जन्मभूमि में हाथ हमेशा खाली रहे। अब नए देश में कौन से उनके हाथ भर जाएंगे? वे बढ़ कर बातें करने लगते। 100 से छूटते ही उनके बोल लाखों पर आके रुकते, पर प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। खचा खच भरे हुए डब्बे पर आलू की बोरी का गुमान होता था। एक अधेड़ आयु की स्त्री जो बहुत दिनों से बीमार थी एक कोने में बैठी थी। उसके 3 बच्चे थे, एक लड़की 7 बरस की थी, एक 5 बरस की, और तीसरा बच्चा अभी दूध पीता था। यह गोद का बच्चा ही उसे बुरी तरह परेशान कर रहा था। कभी कभी तंग आकर वह उसका मुंह झटक देती। इस स्त्री का पति कई बार बच्चे को अपनी बाहों में थाम कर खड़ा हो जाता और अपनी पत्नी की आंखों में झांक कर यह कहना चाहता कि यह तीसरा बच्चा पैदा ही ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए बीमार स्त्री का पति कह उठा, तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी, बस अब थोड़ा सा फासला और रहता है। बीमार स्त्री खामोश बैठी रही। शायद वह यह कहना चाहती थी कि यदि गाड़ी और रुकी तो वह बलवाई आ पहुँचेंगे और ये गिनती के मिलिट्री वाले भला कैसे हमारी जान बचा सकेंगे, जैसे ये सब सवारियाँ लाशें हों और गिद्ध इनकी बू सूंघ सकते हों। पास से किसी ने पूछ लिया,
बहन जी को क्या कष्ट है, उस गांव में कोई डॉक्टर न था जहां मैं पढ़ाता था। बीमार स्त्री का पति क्या उठा, तो आप स्कूल मास्टर हैं? यह कहिए कि स्कूल मास्टर था, बीमार स्त्री के पति ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। अब भगवान जाने नए देश में हम पर क्या बीतेगी। वह अपने मन को समझाता रहा, ज़रा गाड़ी चले तो सही, वे बहुत जल्द अपने राज्य में पहुंचने वाले हैं, वहां डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसे स्कूल मास्टर की जगह मिल ही जाएगी, उसकी आमदनी पहले से बढ़ जाएगी। वह अपनी पत्नी से कहना चाहता था कि जो चीज़ जन्मभूमि में आज तक नहीं मिल सकी, अब नए देश और जनता के राज्य में उसकी कुछ कमी ना होगी। बड़ी लड़की कांता ने बीमार माँ के समीप सरक कर पूछा, माँ गाड़ी कब चलेगी? छोटी लड़की शांता खिड़की के बाहर झांक रही थी। कांता और शांता का भैया ललित पिता की बाहों में बराबर रोए जा रहा था। स्कूल मास्टर को अपने स्कूल का ध्यान आ गया, जहां वह पिछले 10 बरस से हेडमास्टर था। टेक्सला के समीप के इस गांव को शुरू शुरू में यह स्वीकार न था कि वहां स्कूल ठहर सके। उसने बड़े प्रेम से लोगों को समझाया था कि यह गांव टेक्सला से दूर नहीं, टेक्सला जिसका प्राचीनतम नाम तक्षशिला है और जहां एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और जहां दूर दूर के देशों के विद्यार्थी शिक्षा पाने आया करते थे। यह विचार आते ही उसकी कल्पना को झटका सा लगा, क्योंकि इस युग के लोगों ने एक दूसरे के खून से हाथ रंगने की कस्में खाई और अत्याचार की ये घटनाएं ढोलों और शहनाइयों के संगीत के साथ साथ हुई। शिक्षित लोग भी बलवाइयों के संग संगाती बनते चले गए। शायद उन्हें भूलकर भी ख्याल न आया कि अभी तो प्राचीन तक्षशिला की खुदाई के बाद आने वाली मूर्तिकला के बहुमूल्य नमूने भी बराबर अपना संदेश सुनाए जा रहे थे। यह कैसी जन्मभूमि थी, इस जन्मभूमि पर किसे गर्व हो सकता था, जहाँ कत्लेआम के लिए ढोल और शहनाइयाँ बजाना ज़रूरी समझा गया। इतिहास पढ़ाते समय उसने अनेक बार विद्यार्थियों को यह बताया था कि यही वह उनकी जन्मभूमि है जहाँ कभी कनिष्क का राज्य था, जहाँ अहिंसा का मंत्र फूका गया था, जहाँ भिक्षुओं ने त्याग शांति और निर्वाण के उपदेश दिए और अनेक बार गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग की ओर उंगली उठाई। आज उसी धरती पर घर जलाए जा रहे थे और शायद ढलती बर्फों के शीतल जल से भरपूर नदियों के साथ साथ गरम गरम खून की नदी बहाने का मंसूबा बांधा जा रहा था। डिब्बे में बैठे हुए लोगों के कंधे झिंझोर झिंझोर कर वह कहना चाहता था कि गौतम बुद्ध को संसार में बार बार आने की आवश्यकता नहीं, अब गौतम बुद्ध कभी जन्म नहीं लेगा क्योंकि उसकी अहिंसा का सदा के लिए अंत हो गया। अब लोग निर्वाण नहीं चाहते, उन्हें दूसरों की आबरू उतारने में आनंद आता है। अब तो नग्न स्त्रियों और युवतियों के जुलूस निकालने की बात किसी के टाले टल नहीं सकती। आज जन्मभूमि अपनी संतानों की लाशों से पटी पड़ी है, अब यह इंसान के मांस और रक्त की संधार कभी खत्म नहीं होगी। नन्ना ललित रो रो कर सो गया था। कांता और शांता बराबर सहमी सहमी निगाहों से कभी माँ की तरफ और कभी खिड़की के बाहर देखने लगती थीं। एक दो बार उनकी निगाह ललित की तरफ भी उठ गई। वे चाहती थीं कि थोड़ी देर और उनका पिता ललित को उठाए खड़ा रहे, क्योंकि उसकी जगह उन्हें आराम से टांगे फैलाने का अवसर मिल गया था। शांता ने कांता के बाल नोच डाले और कांता रोने लगी। पास से माँ ने शांता के चपत दे मारी और इस पर शांता भी रोने लगी। उधर ललित भी जाग उठा और वह बेसुरे अंदाज से रोने चीखने लगा। स्कूल मास्टर के विचारों का क्रम टूट गया। प्राचीन तक्षशिला के विश्वविद्यालय और भिक्षुओं के उपदेश से हटकर वह यह कहने के लिए तैयार हो गया कि कौन कहता है कि इस देश में कभी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वह कांता और शांता से कहना चाहता था कि रोने से कुछ लाभ नहीं, नन्ना ललित तो बेसमझ है और इसलिए बार बार रोने लगता है। तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, क्योंकि यदि तुम इसी तरह रोती रहोगी तो बताओ तुम्हारे चेहरों पर कमल के फूल कैसे खिल सकते हैं। पास से किसी की आवाज़ आई, यह सब फिरंगी की चाल है। जिस बस्तियों ने बड़े बड़े हमलावरों के हमले बर्दाश्त किए, अनगिनत सदियों से अपनी जगह पर कायम रही, आज वे भी लुट गईं। ऐसे ऐसे कत्लेआम तो उन हमलावरों ने भी ना किए होंगे। हमारे स्कूलों में झूठा और मनगढ़ंत इतिहास पढ़ाया जाता रहा है। स्कूल मास्टर ने चौंक कर मुसाफिर की तरफ देखा। वह कहना चाहता था कि तुम सच कहते हो, मुझे मालूम न था, नहीं तो मैं कभी इस झूठे मनगढ़ंत इतिहास का समर्थन ना करता। वह यह भी कहना चाहता था कि इसमें उसका तो कोई दोष नहीं, क्योंकि सभ्यता के चेहरे से
सुंदर खोल सांप की केचुली की तरह अभी अभी उतरा है और अभी अभी मालूम हुआ है कि मानव ने कुछ भी उन्नति नहीं की, बल्कि यह कहना होगा कि उसने पतन की तरफ ही बड़े वेग से पग बढ़ाए हैं। जिन्होंने बलवाइयों और हथियारों का साथ दिया और मानवता की परंपरा का अपमान किया, स्कूल मास्टर ने साहस दिखाते हुए कहा, जिन्होंने नग्न स्त्रियों और युवतियों के जुलूस निकाले, जिन्होंने अपनी इन माताओं और बहनों की आबरू पर हाथ डाला, जिन्होंने माताओं के दूध भरे स्तन काट डाले और जिन्होंने बच्चों की लाशों को नेजों पर उछाल कर कहकहे लगाए, उनकी आत्माएं सदा अपवित्र रहेंगी। और फिर यह सब कुछ यहाँ भी हुआ और वहाँ भी, जन्मभूमि में भी और नए देश में भी। इसके उत्तर में सामने वाला मुसाफिर चुप बैठा रहा। उसकी खामोशी ही उसका उत्तर था। शायद वह यह कहना चाहता था कि इन बातों से क्या लाभ। ऊपर से उसने इतना ही कहा, हमें यह कैसी आज़ादी मिली है। कांता और शांता के आंसू थम गए थे। ललित भी कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गया। स्कूल मास्टर की निगाहें अपनी बीमार पत्नी की ओर गईं, जो खिड़की के बाहर देख रही थी। शायद वह यह पूछना चाहती थी कि जन्मभूमि छोड़ने पर हम क्यों मजबूर हुए, या क्या ये गाड़ी यहाँ इसलिए रुकी है कि हमें फिर से अपने गांव लौट चलने का विचार आ जाए। स्कूल मास्टर के होंठ बुरी तरह सूख रहे थे। उसका गला बुरी तरह खुश्क हो चुका था। उसे यह महसूस हो रहा था कि कोई उसकी आत्मा में कांटे चुभ रहा है। एक हाथ सामने वाले मुसाफिर के कंधे पर रखते हुए वह बोला, सरदार जी, बताओ तो सही कि कल का इंसान उस अन्न को भला कैसे अपना भोजन बनाएगा जिसका जन्म उस धरती की कोख से होगा, जिसे अनगिनत मासूम बेगुनाहों की लाशों की खाद प्राप्त हुई है। सरदार जी का चेहरा तमतमा उठा, जैसे वह ऐसे विचित्र प्रश्न के लिए तैयार ना हो। किसी कदर संभल कर उसने भी प्रश्न कर डाला, आप बताओ इसमें धरती का क्या दोष है। हाँ हाँ, इसमें धरती का क्या दोष है, स्कूल मास्टर कह उठा। धरती को तो खाद चाहिए, फिर वह कहीं से भी क्यों ना मिले। सरदार जी प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगे, बोले, यह गाड़ी अभी भी अजीज ढीट है, चलती ही नहीं, बलवाई जाने कब आ जाए। स्कूल मास्टर के मन में अनगिनत लाशों का दृश्य घूम गया, जिनके बीचों बीच बच्चे रेंग रहे हों। वह इन बच्चों के भविष्य पर विचार करने लगा, यह कैसी नई पौध है। वह पूछना चाहता था यह नई पौध भी कैसी सिद्ध होगी। उसे उन अनगिनत युवतियों का ध्यान आया जिनकी इज्जत पर हाथ डाला गया था। पुरुष की दहशत के सिवा इन युवतियों की कल्पना में और क्या उभर सकता था। उनके लिए निश्चित ही यह आज़ादी बर्बादी बनकर आई। वे निश्चय ही आज़ादी के नाम पर थूकने से भी नहीं कतराएंगी। उसे उन कन्याओं का भी ध्यान आया जो अब माताएं बनने वाली थीं। ये कैसी माताएं बनेंगी, वह पूछना चाहता था ये घृणा के बीच भला क्या फल लाएंगे। उसने सोचा, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास ना होगा। वह डिब्बे में एक एक व्यक्ति का कंधा झिंझोड़ झिंझोड़ कर कहना चाहता था कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो यदि यह गाड़ी 50-55 घंटों तक रुकने के पश्चात आगे चलने के लिए तैयार भी होगी तो मैं जंजीर खींचकर गाड़ी को रोक लूँगा। क्या यह गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी, हे भगवान, बीमार स्त्री ने अपने चेहरे से मक्खियाँ उड़ाते हुए पूछ लिया। निराश होने की क्या ज़रूरत है, गाड़ी आखिर चलेगी ही, स्कूल मास्टर कह उठा। स्कूल मास्टर खिड़की से सिर निकालकर बाहर की ओर देखने लगा। एक दो बार उसका हाथ जेब की तरफ बढ़ा, अंदर गया और फिर बाहर आ गया। इतना महंगा पानी खरीदने का उसे साहस ना हुआ। जाने क्या सोचकर उसने कहा, गाड़ी अभी चल पड़े तो नए देश की सीमा में घुसते ही उसे देर ना लगेगी, फिर पानी की कुछ कमी ना होगी। ये कष्ट के क्षण बहुत शीघ्र बीत जाएंगे। कंधे पर पड़ी हुई फटी पुरानी चादर को वह बार बार संभालता था। इसे वह अपनी जन्मभूमि से बचा कर लाया था। बलवाइयों के अचानक गांव में आ जाने के कारण वह कुछ भी तो निकाल नहीं सका था। बड़ी कठिनाई से वह अपनी बीमार पत्नी और बच्चों के साथ भाग निकला था। अब इस चादर पर उंगलियां घुमाते हुए उसे गांव का जीवन याद आने लगा। एक एक घटना मानो एक एक तार थी और इन्हीं तारों की सहायता से समय के जुलाहे ने जीवन की चादर बुन डाली थी। इसी चादर पर उंगलियां घुमाते हुए उसे मानो उस मिट्टी की सुगंध आने लगी थी जिसे वह वर्षों से सूंघता आया था, जैसे किसी ने उसे जन्मभूमि की कोख से ज़बरदस्ती उखाड़कर इतनी दूर फेंक दिया। जाने अब गाड़ी कब चलेगी, अब यह जन्मभूमि नहीं रह गई, देश का बंटवारा हो गया। अच्छा चाहे बुरा, जो होना था सो हो गया। अब देश के बंटवारे को झुटलाना सहज नहीं, पर क्या जीवन का बंटवारा भी हो गया।
अपनी बीमार पत्नी के समीप झुककर वह उसे दिलासा देने लगा। इतनी चिंता नहीं किया करते, नए देश में पहुंचने भर की देर है, एक अच्छे से डॉक्टर से तुम्हारा इलाज कराएंगे। मैं फिर किसी स्कूल में पढ़ाने लगूंगा, तुम्हारे लिए फिर से सोने की बालियां गड़ा दूंगा। कोई और समय होता तो वह अपनी पत्नी से उलझ जाता कि भागते समय इतना भी ना हुआ कि चुड़ैल अपनी सोने की बालियां ही उठा लाती, बल्कि वह उस कजलौटी तक के लिए झगड़ा खड़ा कर देता जिसे वह दर्पण के समीप छोड़ आई थी। कजलौटी जिसकी सहायता से वह इस अधेड़ आयु में भी कभी कभी अपनी आंखों में बीते सपने की याद ताज़ा कर लेती थी। कांता ने झुककर शांता की आंखों में कुछ देखने का प्रयास किया, जैसे वो पूछना चाहती हो कि बताओ पगली, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा झुंझुना, शांता ने पूछ लिया। मेरी गुड़िया, कांता बोली। यहाँ ना झुंझुना है ना गुड़िया, स्कूल मास्टर ने अपनी आंसू भरी आंखों से अपनी बच्चियों की ओर देखते हुए कहा। मेरी बेटियों, झुंझुने बहुत तेरे, गुड़िया बहुत तेरी, नए देश में हर चीज़ मिलेगी। पर रह रहकर उसका मन पीछे की तरफ मुड़ने लगता। यह कैसा आकर्षण है, यह जन्मभूमि पीछे रह गई, अब नया देश समीप है, गाड़ी चलने भर की देर है। उसने झुंझलाकर इधर उधर देखा, जैसे वह डिब्बे में बैठे हुए एक एक व्यक्ति से पूछना चाहता हो कि बताओ गाड़ी कब चलेगी। जन्मभूमि हमेशा के लिए छूट रही है, उसने अपनी कंधों पर पड़ी हुई चादर को बाएं हाथ की उंगलियों से सलाते हुए कहना चाहा, जैसे इस चादर में भी कान हो और वह सब सुन सकती हो। खिड़की से सिर निकालकर उसने पीछे की तरफ देखा और उसे यूं लगा जैसे जन्मभूमि अपनी बाहें फैलाकर उसे बुला रही हो, जैसे वह यह कह रही हो कि मुझे छोड़कर चले जाओगे, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे लिए हमेशा था और हमेशा रहेगा। स्कूल मास्टर की बीमार पत्नी ने नन्हे ललित से समझौता कर लिया था, इस दूध की एक एक बूंद पर 500 रुपये निछावर किए जा सकते थे। यह दूध 50 रुपये गिलास के हिसाब से बिकने वाले दूध से अवश्य महंगा था। चादर पर दाएं हाथ की उंगलियां फेरते हुए स्कूल मास्टर को जन्मभूमि की धरती का ध्यान आया, जो शताब्दियों से रुई की खेती के लिए विख्यात थी। उसकी कल्पना में कपास के दूर तक फैले हुए खेत उभरे। यह ऐसी कपास का जादू ही तो था कि जन्मभूमि रुई के अनगिनत ढेरों पर गर्व कर सकती थी। जन्मभूमि में रुई से कैसे कैसे बारीक तार निकाले जाते थे, घर घर चरखे चलते थे, सजीव चरखा कातने वालियों की रंगीले महफिलें, वे त्रिंजन, वह बढ़ बढ़कर सूत कातने की होड़, वे सूत की अंटियां तैयार करने वाले हाथ, वे जुलाहे जो परंपरागत कथाओं में मूर्ख समझे जाते थे पर जिनकी उंगलियों को महीन से महीन कपड़ा बुनने की कला आती थी, जैसे जन्मभूमि पुकार पुकार कर कह रही हो, तुम कद के लंबे हो और शरीर के गठे हुए हो, तुम्हारे हाथ पांव मजबूत हैं, तुम्हारा सीना कितना चौड़ा है, तुम्हारे जबड़े इतने सख्त हैं कि पत्थर तक चबा जाओ, यह सब मेरे कारण ही तो है, देखो तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। स्कूल मास्टर ने झट खिड़की के बाहर देखना बंद कर दिया और उसकी आँखें अपनी बीमार पत्नी के चेहरे पर जम गई। वह कहना चाहता था कि मुझे वे दिन अभी तक याद हैं ललित की माँ, जब तुम्हारी आंखें काजल के बिना ही काली काली और बड़ी बड़ी नजर आया करती थीं। मुझे याद है वे दिन जब तुम्हारे शरीर में हिरनी की सी मस्ती थी, उन दिनों तुम्हारे चेहरे पर चांद की चांदनी थी, सितारों की चमक थी, मुस्कान, हंसी, कहकहा, तुम्हारे चेहरे पर खुशी के तीनों रंग थिरक उठते थे। तुम पर जन्मभूमि कितनी दयालु थी, तुम्हारे सिर पर वे काले घुंघराले केश, उन सावन के काले काले मेघों को अपने कंधों पर संभाले तुम मटक मटक कर चला करती थी, गांव की गलियों में और पगडंडियों पर जैसे मटकी में गिरते समय ताजा दुहे जाने वाला दूध बोल उठे। स्कूल मास्टर को यूं लगा जैसे अभी बहुत कुछ बाकी हो, जैसे वह वर्षों के घूमते हुए भंवर में चमकती हुई किरण के दिल की बात भांप कर कह सकता हो कि बीते सपने कल्पना के कला भाव में सदैव थिरकते रहेंगे, जैसे वह ताक में पड़ी सुराही से कह सकती हो, ओ सुराही, तेरी गर्दन टेढ़ी है, भला मैं वे दिन कैसे भूल सकता हूँ जब तुम नई नई इस घर में आई थी। वह चाहता था कि गाड़ी जल्द से जल्द नए देश की सीमा में प्रवेश कर जाए, फिर उसके सब कष्ट मिट जाएंगे, पत्नी का इलाज भी हो सकेगा। जन्मभूमि पीछे रह जाने के विचार से कुछ उलझन सी अवश्य महसूस हुई, पर उसने तुरंत अपने मन को समझा लिया। वह यह प्रयास करने लगा कि नए देश में जन्मभूमि की कल्पना कायम कर सके। आखिर एक गांव को तो जन्मभूमि नहीं कहते, जन्मभूमि तो बहुत विशाल है, बहुत महान है,
उसकी महिमा का गान तो देवता भी पूरी तरह नहीं कर सकते। जिधर से गाड़ी यहाँ तक आई थी और जिधर गाड़ी को जाना था, दोनों तरफ एक जैसी भूमि दूर तक चली गई थी। उसे विचार आया कि भूमि तो सब जगह एक जैसी है, जन्मभूमि और नए देश की भूमि में बहुत अधिक अंतर तो नहीं हो सकता। वह चाहता था कि जन्मभूमि की वास्तविक कल्पना कायम करे। पौ फटने से पहले का दृश्य दूर तक फैला हुआ, क्षितिज किनारे किनारे पहाड़ियों की झालर, आकाश पर बगलों की पंक्ति खुली कैंची के रूप में उड़ती हुई पूरब की ओर उषा का उजाला, धरती ऐसी जैसे किसी युवती की गर्दन के नीचे ऊंची घाटियों के बीचों बीच ताजा श्वेत मक्खन दूर दूर तक फैला हुआ हो। वह चिल्लाकर कहना चाहता था कि जन्मभूमि का यह दृश्य नए देश में भी जरूर नजर आएगा। अपने कंधों पर पड़ी हुई चादर को वह दाएं हाथ की उंगलियों से सहलाने लगा, जैसे वह इस चादर के मुख से अपना समर्थन चाहता हो। लटकती डालियां, महकती कलियां, इंद्रधनुष के रंग, आकाशगंगा का दूधिया सौंदर्य, युवतियों के कह कहे, नव कुलबुधियों की लाज, जन्मभूमि का रूप इन्हीं पर कायम था। अपने खमीर पर, अपनी तासीर पर जन्मभूमि मुस्कुराती आई है और मुस्कुराती रहेगी। वह कहना चाहता था कि नए देश में भी जन्मभूमि का रूप किसी से कम थोड़ी होगा, वहाँ भी गेहूं के खेत दूर तक फैले हुए नजर आएंगे। जन्मभूमि का यह दृश्य नए देश में भी उसके साथ साथ जाएगा, उसे विश्वास था। उसके बाएं हाथ की उंगलियां बराबर कंधे पर पड़ी हुई फटी पुरानी और मैली चादर से खेलती रहीं, जैसे ले देकर यही चादर जन्मभूमि की प्रतीक बन गई हो। फिरंगी ने देश का नक्शा बदल डाला, सरदार जी कह रहे थे, पास से कोई बोला, यह उसकी पुरानी चाल। एक बुढ़िया ने कहा, फिरंगी तो बहुत दिनों से इस देश में बस गया था। मैं ना कहती थी कि हम बुरा कर रहे हैं जो फिरंगी को उनके बंगलों से निकालने की सोच रहे हैं। मैं ना कहती थी कि फिरंगी का शराप लगेगा। दूसरी बुढ़िया बोली, यह सब फिरंगी का शराप ही तो है बहन जी। स्कूल मास्टर को पहली बुढ़िया पर बहुत क्रोध आया। उसकी आवाज़ में जन्मभूमि के संदेह बोल उठे। उसने सोचा दूसरी बुढ़िया उससे भी कहीं अधिक मूर्ख थी, जो बिना सोचे हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। पर कोने में एक कन्या चीथड़ों में लिपटी हुई बैठी हुई थी, जैसे उसकी सहमी सहमी निगाहें इस डिब्बे के प्रत्येक यात्री से पूछना चाहती हों, क्या ये मेरे आखिरी घाव है। उसकी बाएं तरफ उसकी माँ बैठी थी, जो शायद फिरंगी से यह कहना चाहती थी कि मेरी गुलामी मुझे लौटा दो, क्योंकि गुलामी में मेरी बिटिया की आबरू नहीं लूटी थी। डिब्बे में बैठे हुए लोग भीड़ के कारण बेहद भिजे हुए थे। उनकी आंखों में भय की यह दशा थी कि वे प्रतिक्षण बड़े वेग से बूढ़े हो रहे थे। सरदार जी बोले, इतनी लूट तो बाहर से आने वाले हमलावरों ने भी ना की होगी। पास से किसी ने कहा, इतना सोना लूट लिया गया कि 100-100 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा। लूट का सोना ज़्यादा दिन नहीं ठहरता, एक और यात्री बोल उठा। सरदार जी का चेहरा तमतमा उठा, बोले, पुलिस के सिपाही भी तो सोना लूटने वालों के साथ रहते थे, पर लूट का सोना पुलिस के सिपाहियों के पास भी कितने दिन ठहरेगा। आज भी दुनिया सदगुरु नानक देव जी महाराज की आज्ञा पर चले तो शांति हो सकती है। 56, 57, 58 इतने घंटों से गाड़ी हरबंसपुरा के स्टेशन पर खड़ी हुई थी। अब तो प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े मिलिट्री वालों के तने हुए शरीर भी ढीले पड़ गए थे। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि डिब्बे से नीचे आकर देखे कि आखिर गाड़ी रुकने का कारण है क्या। डिब्बे में हर किसी का दम घुटा जा रहा था और हर कोई चाहता था कि और नहीं तो इस डिब्बे से निकलकर किसी दूसरे डिब्बे में कोई अच्छी सी जगह ढूंढ ले। पर यह डर भी तो था कि कहीं यह ना हो कि ना इधर के रहे ना उधर के और गाड़ी चल पड़े। फिरंगी का शराब खत्म होने पर चलेगी गाड़ी, बुढ़िया बोली। सच है बहन जी, दूसरी बुढ़िया कह उठी। स्कूल मास्टर ने उड़ने वाले पंछी के सामने बाहें हवा में उछालते हुए कहा, फिरंगी को दोष देते रहने से तो न जन्मभूमि का भला होगा न नए देश का। पहली बुढ़िया ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा, फिरंगी चाहे तो गाड़ी अभी चल पड़े। कांता ने खिड़की से झांककर दूसरे डब्बे की खिड़की में से किसी को पानी पीते देख लिया था। वह भी पानी के लिए मचलने लगी। उसकी बीमार माँ ने कराहती हुई आवाज़ में कहा, पानी का तो अकाल पड़ रहा है बिटिया। अब शांता भी पानी की रट लगाने लगी। सरदार जी ने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले
और 5-5 रुपए के 5 नोट स्कूल मास्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इससे आधा ग्लास पानी ले लिया जाए। स्कूल मास्टर ने झिझकते हाथों से नोट स्वीकार किए। आधा ग्लास पानी की कल्पना से उसकी आंखें चमक उठीं। खाली ग्लास उठाकर वह पानी की तलाश में नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर गया। अब हिंदू पानी और मुस्लिम पानी का भेद नहीं रह गया था। बड़ी कठिनाई से एक व्यक्ति के पास पानी नजर आया। 52 रुपये ग्लास के हिसाब से 25 रुपये का पानी आधे ग्लास से कुछ कम ही आना चाहिए था। पानी बेचने वाले ने पेश की रुपये वसूल कर लिए और बड़ी मुश्किल से 1/3 ग्लास पानी दिया। डिब्बे में आकर सरदार जी के ग्लास में थोड़ा पानी उड़ेलते समय जल्दी में कोई एक घूंट पानी फर्श पर गिर गया। झट से पानी का ग्लास कांता के मुंह पर थमाते हुए उसने कहा, पी ले बेटा। उधर से शांता ने हाथ बढ़ाए। स्कूल मास्टर ने कांता के मुंह से ग्लास हटाकर उसे शांता के मुंह पर थमा दिया। फिर कांपते हाथों से यह ग्लास उसने अपनी बीमार पत्नी के होठों की तरफ बढ़ाया, जिसने आंखों ही आंखों में अपने पति से कहा कि पहले आप भी तो अपने होठ गीले कर लें। पर पति इसके लिए तैयार न था। कांता और शांता ने मिलकर जोर से ग्लास पर हाथ मारे। बीमार माँ के कमज़ोर हाथों से छूटकर ग्लास फर्श पर गिर पड़ा। स्कूल मास्टर ने झट लपक कर ग्लास उठा लिया। बड़ी मुश्किल से इसमें 1 घूंट पानी बच पाया था। यह 1 घूंट पानी उसने झट से अपने गले में उड़ेल लिया। सरदार जी कह रहे थे, इतना कुछ होने पर भी इंसान जिंदा है और जिंदा रहेगा। स्कूल मास्टर कह उठा, इंसानियत जन्मभूमि का सबसे बड़ा वरदान है। जैसे एक पौधे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, ऐसे ही हम नए देश में जन्मभूमि का पौधा लगाएंगे। हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी और इस पौधे को नई ज़मीन में जड़ पकड़ते कुछ समय अवश्य लगेगा। यह कहना कठिन था कि बीमार औरत के गले में कितने घूंट पानी गुजरा होगा, पर इतना तो प्रत्यक्ष था कि पानी पीने के बाद उसकी अवस्था और भी डावाडोल हो गई। अब उसमें इतनी शक्ति ना थी कि बैठी रह सके। सरदार जी ने ना जाने क्या सोचकर कहा, दरिया भले ही सूख जाए पर दिलों के दरिया तो सदा बहते रहेंगे। दिल दरिया समुंदरों डूबे। स्कूल मास्टर कह उठा, कभी ये दिलों के दरिया जन्मभूमि में बहते थे, अब ये दरिया देश में बहा करेंगे। बीमार स्त्री बुखार से कांपने लगी। सरदार जी बोले, यह अच्छा होगा कि इसे थोड़ी देर के लिए नीचे प्लेटफॉर्म पर लिटा दिया जाए, बाहर की खुली हवा इसके लिए अच्छी रहेगी। स्कूल मास्टर ने एहसान भरी निगाहों से सरदार जी की तरफ देखा और उनकी मदद से बीमार पत्नी को डिब्बे से उतारकर प्लेटफॉर्म पर लिटा दिया। सरदार जी फिर अपनी जगह पर जा बैठे और स्कूल मास्टर अपनी पत्नी के चेहरे पर रुमाल से पंखा करने लगा। वह धीरे धीरे उसे दिलासा देने लगा, तुम अच्छी हो जाओगी, हम बहुत जल्द नए देश में पहुंचने वाले हैं, वहां मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। बीमार औरत के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कान उभरी, पर उसके मुख से एक शब्द भी ना निकला। मानो उसकी खुली खुली आँखें कह रही हों, मैं जन्मभूमि को छोड़ नहीं सकती, मैं नए देश में नहीं जाना चाहती, मैं इस धरती की कोख में जन्मी और इसी में समा जाना चाहती हूँ। उसकी सांस जोर जोर से चलने लगी, उसकी आंखें पथराने लगी। स्कूल मास्टर घबराकर बोला, यह तुम्हें क्या हो रहा है, गाड़ी अब और नहीं रुकेगी, नया देश समीप ही तो है, अब जन्मभूमि का विचार छोड़ दो, हम आगे जाएंगे। खिड़की से कांता और शांता फटी फटी आँखों से देख रही थी, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सरदार जी ने खिड़की से बाहर सर निकालकर पूछा, अब बहन जी का क्या हाल है? स्कूल मास्टर बोला, यह अब जन्मभूमि में ही रहेंगी। सरदार जी बोले, कहो तो थोड़ा पानी और खरीद लें। बीमार औरत ने बुझते दीप की तरह सांस लिया और उसके प्राण पखेरु निकल गए। लाश के समीप खड़े खड़े स्कूल मास्टर ने बड़े ध्यान से देखा और कहा, अब वह पानी नहीं पिएगी। उधर इंजन ने सीटी दी और गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के साथ साथ रेंगने लगी। उसने एक बार पत्नी की लाश की तरफ देखा, फिर उसकी निगाहें गाड़ी की तरफ उठ गईं। खिड़की से कांता और शांता उसकी तरफ देख रही थीं। लाश के साथ रहा जाए या लपक कर डिब्बे में बैठा जाए, यह प्रश्न बिजली के कौन की तरह उसके हृदय और मस्तिष्क को चीरता चला गया। उसने अपने कंधे से झट कर फटी पुरानी मैली चादर उतारी, जिसे वह जन्मभूमि से बचा कर लाया था और जिसके धागे धागे में अभी तक जन्मभूमि सांस ले रही थी। इस चादर को उसने अपने सामने पड़ी हुई लाश पर फैला दिया और गाड़ी की तरफ लपका। कांता की आवाज़
एक क्षण के लिए वातावरण में लहराई। माँ, गाड़ी तेज हो गई थी। कांता की आवाज़ हवा में उछल कर रह गई। स्कूल मास्टर ने शांता को गोद में उठा लिया और पलटकर लाश की तरफ ना देखा। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।